नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। कल गृह मंत्री के तरफ से एक ऐसे कानून का प्रस्ताव रखा गया, एक ऐसा बिल पेश किया गया जिसको शायद देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और ये कहिए बहुत सालों से ज़रूरी था। वो बिल पेश करते करते ये बोले कि गुलामी की आदतों को हटाना होगा, यहाँ तक कि गुलामी की निशानियों को हटाना होगा, और भारत की आत्मा को वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हम अब स्वतंत्र हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने कानूनों में बदलाव करें, और इसके साथ वो तीन कानून लेकर के आए। मैं आप सभी के बीच चाहती हूँ कि मैं इन तीनों कानूनों के बारे में आपको पहले बताऊँ, फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आज हमारे गेस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के बेहद चर्चित, बेहद आप ये कह सकते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल, एक थोड़ा सा मतलब वो वर्ड हो जाएगा, लेकिन बेहद चर्चित डॉक्टर एपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वो इन तीन कानूनों पर क्या कहेंगे। ये जो तीन कानून गृह मंत्री की तरफ से लाया गया है, ये इसको चुनावी स्टंट मानते हैं या फिर देश को सच में इन तीन कानूनों की बेहद, या फिर आप ये कहिए बड़ी ज़रूरत आन पड़ी है। पहला कानून है इंडियन पीनल कोड, जो कि 1860 में बना था, अब उसका नया नाम हो गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा कानून है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 में बना था, जिसका दूसरा नाम हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तीसरा कानून है इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसका नाम बदल कर दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जाइए जानते हैं हम लोग एपी सिंह से कि वो क्या कहेंगे इन तीनों कानून के ऊपर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। मैं पहली बार आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, सबसे पहले क्या कहेंगे इन तीनों बिलों के ऊपर? नहीं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको सुनता रहता हूं, और आपका तो चैनल भी राजधर्म, और सच्चाई में राजधर्म का मतलब है देश धर्म, देश हित, भारत हिंदुस्तान की रक्षा करने का काम जो ऋषि मुनियों ने सदैव किया भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, जो भारत के नाम पे भारत पड़ा, तो राजधर्म निभाना चाहिए, और वो राजधर्म है। यहाँ आप निभा रहे हैं क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और उसमें चौथा स्तंभ क्या है? चौथा स्तंभ यही कहता है कि पूरी तरह से उसमें स्पष्टता हो, स्पष्टवादिता हो, और दिखाना चाहिए। और अपने दर्शकों को जो सांसद में नहीं थे, जो सांसद नहीं थे और संसद में नहीं थे, लेकिन कानूनों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये देश केवल कागज पर खिंची हुई लकीरें नहीं है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा देश 140 करोड़ तो ऑन रिकॉर्ड, और 10 करोड़ उसमें और जोड़ दो, क्योंकि 140 करोड़ में आउट ऑफ रिकॉर्ड भी होते हैं, तो 150 करोड़ की जनसंख्या की आबादी वाला हमारा देश है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है हम भारत के। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2023 में G20 में थीम दी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो इतना बड़ा दिया सब कुछ, तो उसके आधार पर। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी सदैव अपने नए कामों को करने के लिए जाने जाते हैं, वो इसी बार 2019 के बाद से देश की संसद में आए, उन्हें संसद का बहुत बड़ा अनुभव नहीं था, राजनीति की, उन्होंने अध्यक्ष रहे, उन्होंने गुजरात के राज्य मंत्री, गुजरात स्टेट के मिनिस्टर रहे, सब कुछ किए, होम मिनिस्टर, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने देश के गृह मंत्री के रूप में जब से स्थापित हुए, और उन्होंने एक बहुत बड़े बड़े नाम किए, कोई नहीं सोच सकता था। मैं दुनिया के पटल पर जाता था, लोग कहते देयर इज नो मिस्टर सिंह, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू, कश्मीर इशू की नहीं सुना, लेकिन वो गृह मंत्री आए, और जब आए तो उन्होंने कह दिया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा था, एक विधान, एक संविधान, एक निशान, एक झंडा कश्मीर में भी चलेगा, और एक दिन में 370 और 35 को उठा के फेंक दिया, जो 75 साल की आजादी की लड़ाई में आज तक कोई नहीं उठा पाए। माफ कीजिएगा, कांग्रेस भी सरकार में रही, गठबंधन भी सरकार में रहे, अटल जी भी सरकार में रहे, बड़े अच्छे नेता रहे, बड़े बौद्धिक क्षमता वाले हमारे नेता रहे, देश के प्रधानमंत्री सब रहे, लेकिन कर नहीं पाया कोई उन्होंने उस समस्या का समाधान। कमी कैसे लगता है सर आपको, कि कमी कहां पे है उन सरकारों के अंदर, कि मतलब इतने साल वो सत्ता में रहे लेकिन वो ये सारे फैसले जो है करने में कहीं ना कहीं पीछे रहे। इच्छा शक्ति, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह, अगर चाह हो जाए तो राह में कोई दुनिया की ताकत नहीं, कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं जो आपको रोक ले। इम्पॉसिबल लोग कहते थे, इम्पॉसिबल राम मंदिर, इम्पॉसिबल कहते थे ना लोग, इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल, जब उसे आप जोड़ के अलग अलग कर दें तो वो कहता है आई एम पॉसिबल, वो खुद कहता है। अयोध्या की श्री राम मंदिर की बात बरसों वर्ष से टेंट में, सोचिए आप, सनातन धर्म, भारत, हिंदुस्तान,
जहां दशहरा पूजन होता है, नवरात्रे होते हैं, रामलीला होते हैं, लेकिन टेंट में रामलला रहते रहे। एक सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी थी, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश आए, पहुंचे और उन्होंने राम मंदिर समस्या का सलूशन, और आज प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा। लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मतलब इम्पॉसिबल डेट नहीं, बनेगा, सरकारें आएंगी बनेंगी, 200-200 सांसद बनेंगे, जीतेंगे हारेंगे, अविश्वास प्रस्ताव आएंगे, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन वहीं मंदिर बन भी रहा है, तारीख भी बताई गई और शिलान्यास भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है पूरा। मथुरा की बात आई, काशी की बात आई, ज्ञानवापी के सब कुछ होते दिख रहा है। इसका मतलब इच्छा शक्ति की कमी थी और इच्छा शक्ति अब बड़ी है तो अच्छी आई है। सोने की चिड़िया जगत गुरु की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है और उसी प्रकरण में ये है कानूनों का बदलाव। हम सब मांग कर रहे थे, दासता के प्रतीक थे, हमने भी 26 वर्ष हो गए, 26-27 वर्ष सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए लाइफ टाइम बड़े हाई प्रोफाइल केस लड़े। जो देशद्रोह वाली धाराओं की बात आई, 950 लोगों पर संत रामपाल दास जी का बरवाला कांड हुआ 2014 में हरियाणा में, धार्मिक संत थे, उनके ऊपर 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया, हमने लड़ा और जीता वो केस। तो ये सब कुछ जो हुआ बहुत गंभीरता के साथ इस पर देखना चाहिए। आज भी इस देश में बहुत से ऐसे आस्तीन के सांप हैं जो रहते यहां हैं, यहां का खाते हैं, यहां का पीते हैं, यहां की संसद में जाते हैं, यहां की कोठी बंगलों में रहते हैं, यहां के एयर फ्लाइट्स के टिकट और वंदे भारत की टिकट के ट्रेनों पर सफर करते हैं, फ्री में सफर करते हैं, कूपन पर सफर करते हैं, लेकिन अगर उनसे कहो भारत माता की जय बोलोगे, नहीं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। 5 बार माथा रगड़ते हैं भारत माता पे, दिन में 5 बार माथा रगड़ते हैं भारत माता पे, निशान पड़ जाता है, लेकिन बोलेंगे नहीं भारत माता। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं फर्क है हमारी राजनीतिक सोच का, राजनीतिक इच्छा शक्ति का। वोट बैंक की राजनीति हावी है, तुष्टिकरण की हावी है। पिछले दिनों 9 अगस्त को हम लोगों ने 81वां मनाया, भारत छोड़ो आंदोलन की दिवस मनाया, 81 साल हो गए थे भारत छोड़ो यात्रा जी, तो भारत छोड़ो 9 अगस्त मनाया जाता था, सबने मनाया। तो आज भी वंशवाद हावी है। सरकार ने कहा कि वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टिकरण भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, इनके भी भारत छोड़वाने की जरूरत है। अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, चले गए अंग्रेज, चले गए गोरे, चले गए, हमारे सांवले गोरे काले हमारे साथ हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ अभी भी चिपके हुए हैं, अपनी दासता के प्रति, अपनी मानसिकता के प्रति, अपनी सोच के प्रति, अपनी गलत नीतियों को लागू कराने के प्रति, तुष्टिकरण की नीति के तहत यहाँ सुलझे हुए। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, चूंकि आप 26 साल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कितना जरूरी था इन कानूनों को बदलना और कितना ज्यादा ये आप कहें कि जान फूंक देगा कोर्ट रूम के अंदर या फिर जो न्याय पाने के लिए आते हैं पीड़ित उनके अंदर, ये कितनी बड़ी मतलब एक एनर्जी की एक नई ज्योति, नई भावना, नई इच्छा और नया, जैसे अंधेरे के बाद, जैसे वर्षों वर्ष अंधेरे के बाद रोशनी, जैसे सुबह के 4-5 बजते हैं और जिसके घर में मातम छाया हुआ हो, किसी की डेड बॉडी रखी हो और सुबह होते उसे अंतिम संस्कार करना है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में रात में अंतिम संस्कार नहीं होता, तो उसे कितना इंतजार होता है, उसके लिए वो कितनी भारी होती है रात। ऐसे इस देश पर अंग्रेजों के बनाए हुए कानून इस देश के लोगों पर भारी थे, वजन थे, बोझ थे, जो इंतजार कर रहे थे कि बहुत जल्दी से ये वजन हटाया जाए, बोझ हटाया जाए। और हमारे देश देखिए, यही तो अवसर है, आज 75 साल की आजादी के बाद अभी तक हमारे नेता उसी अंग्रेजों के बनाए हुए संसद में काम करते रहे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आए, 2.5 साल की कम समय का बीत के नया संसद का उद्घाटन भी हो गया, नई संसद बन गई। लेकिन हमारे देश के ऐसे भी विपक्षी नेता हैं, उसी संसद में बैठेंगे, चाहते हैं कि उसी संसद में गठबंधन बनाकर 24 में हम प्रधानमंत्री बनके बैठें, हम केंद्रीय मंत्री बनके बैठें, हम सरकार चलाएं और उद्घाटन करने वालों को विपक्ष में बिठा लें, लेकिन उस संसद के उद्घाटन में नहीं गए, उस संसद के गृह प्रवेश में नहीं गए। किसी भी भवन, किसी भी नए कार्य के पड़ोसी भी, दुश्मन भी होता है, वो भी चला जाता है। उसको तो वो ताबूत बोल देते हैं वो विपक्षी, क्या अपना ताबूत में जाने के लिए तैयार है? क्या वहां बैठने के लिए तैयार है? क्या अपना मुर्दा बनने के लिए तैयार हैं? क्या अपना लाश बनने के लिए तैयार हैं? क्या अपना जिंदा लाश बनने के लिए तैयार हैं जो ताबूत बोल देते हैं? एक नया भवन हमारे देश का, हमारे संसाधनों से, हमारे लेबर मजदूरों ने, हमारे इंजीनियर ने, हमारे आर्किटेक्चर ने, हमारे सीमेंट ने, हमारे लोहा ने, सबने बनाया,
उसको बनाने के उद्घाटन में भी उन्हें अड़चन पड़ गई। ये दुख की बात है, ये नहीं होना चाहिए था, साथ देना चाहिए था। मुद्दों पर लड़ाई करो, मणिपुर पे बात की अच्छा लगा, लेकिन नूह में बात पे बात नहीं की बुरा लगा। अगर मणिपुर में आप बात कर सकते हैं, हजारों किलोमीटर हमारे देश के पैसों से जा सकते हैं, वहां यात्रा करके होटल और गेस्ट हाउस में ठहर सकते हैं, तो 100 किलोमीटर की दूरी पर, 100 किलोमीटर के अंदर नूह मेवात में जो जलाभिषेक करने जाने वाली हमारी महिलाएं, वृद्ध महिलाएं, जो हमारी बच्चियां, लड़कियां, बच्चे हाथों में क्या लेके, बेलपत्री, गंगा जल, प्रसाद, फूल, धतूरा, ये लेके नंगे पैर हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी गर्भावस्था वाली महिलाएं जो प्रभु से अच्छी संतान की कामना करती हैं, अच्छी संस्कारिक संतान की उत्पत्ति की कामना करती हैं, जब वो जलाभिषेक के लिए सावन के सोमवार पर यात्रा करने के लिए जाती हैं, उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उन पर पेट्रोल बम से हमला किया जाता है। राहुल गांधी कहते हैं ये सब बीजेपी करवाती है, केरोसिन पहले आपने उधर मणिपुर में फेंका और अब आप नूह में केरोसिन, वो तो सरकार को जिम्मेदार करते हैं, मतलब सरकार भी वहां पे बीजेपी। अमित शाह जी और खट्टर जी फोन करते हैं नूह में, हेलो नूह के लोगों बोल रहे हो, चढ़ जाओ पहाड़ी पर, पेट्रोल बम रख लो जा करके, लाठियां रख लो जा करके, जलाभिषेक की यात्रा निकलेगी। वो ये कहते हैं, उनका मतलब ये है कि जलाभिषेक की यात्रा पहले से आयोजित थी, परमिशन ली हुई थी, और पहाड़ियां जो नूह में वहां साइबर क्राइम का अड्डा बनी हुई है, पूरे देश के मोबाइल फोन हैक किए जाते हैं, वहां से साइबर क्राइम किया जाता है, फाइनेंशियल क्राइम किया जाता है, वहां से पत्थरों की वर्षा की गई, वहां से पेट्रोल बम चलाए गए, वहां से गोलियां चलाई गई, सैकड़ों लोग वहां प्लान के साथ इकट्ठे थे, पास पड़ोस के मकानों में लोग पहले से छुप के बैठे थे। उस आपराधिक मानसिकता की बात कीजिए जिसने उन बच्चियों पर, उन महिलाओं पर, उन बेटियों पर जो नंगे पैर जा रही थी सावन के महीने में गंगा चल चढ़ाने जाने थी मंदिर पर, उन पर गोलियां चलाई, उन पर लाठियां चलाई, पुलिस को एयर ड्रॉप करना पड़ा, इतनी तगड़ी घेराबंदी थी, एयर ड्रॉप करना पड़ा पुलिस को। और लोग एक चौराहे पर, जो पुलिस वाला खड़ा होता है एक चौराहे पर, खड़े हुए वर्दीधारी पुलिस वाले से पूरा ट्रैफिक, पूरा लाइन ऑर्डर मेंटेन रहता है। उस साइबर क्राइम के थाने के अंदर जब पुलिस वाले डर के अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए बंद करके अंदर बैठ गए, जब गेट नहीं खोल पाए तो दीवाल को, बस को चढ़ाकर दीवाल तोड़ दी गई और अंदर घुस गए अपराधी लोग। अब हाथों में हथियार लेके पुलिस के वर्दीधारी लोगों पर हमला होना, उनके ऊपर गोलियां चलाना, उनकी हत्या कर देना, जो वर्दी में पहना हुआ पुलिस अधिकारी है उस पर गोलियों से भून देना, वो सरकार पर गोली चलाई गई, सिस्टम पर गोली चलाई गई, हमारे देश के न्याय पर गोली चलाई गई, हमारे देश की सहनशीलता के सिद्धांत पर गोली चलाई गई, हमारे देश के सबका साथ सबका विकास सबके साथ विश्वास के सिद्धांत पर गोली चलाई गई, हमारे हिंदू मुस्लिम एकता पर गोली चलाई गई। वो गोली एक इंसान पर नहीं चली, और एक इंसान की जब मौत होती है तो सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं होती है, उससे जुड़े हुए कितने रिश्ते, कितने परिवार, केवल एक महिला विधवा नहीं होती है एक पुलिस अधिकारी के मरने पर, उससे जुड़े हुए कितने रिश्तों की मौत हो जाती है, एक पिता अनाथ नहीं होता है, कितने और रिश्ते मर जाते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत एक अच्छी बात कही, और लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि वापस से हम लोग इस टॉपिक पर आ जाते हैं। जब बिल पेश कर रहे थे अमित शाह जी, तो उस समय उन्होंने दाऊद इब्राहिम का भी जिक्र किया, तो उस केस में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे वांटेड है, बहुत सालों से वांटेड है, वो यहाँ से भाग गया, उसका केस चल रहा है, तो उस केस में अब नए कानूनों के आने के बाद क्या बदलाव होगा? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। उसे जल्दी लाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे जल्दी लाया जाएगा। जो ये कहते हैं ना नीरव मोदी, और दूसरा एक और नाम लेते हैं और मोदी नाम करके दूसरा एक नाम लेते हैं, वो सब जल्दी आ जाएंगे, आर्थिक अपराधी जल्दी आ जाएंगे, देश में न्याय व्यवस्था सुलभ होगी, और जो बाहर से प्रायोजित आतंकवाद हमारे देश में चला रहे हैं, अपने गुर्गों को द्वारा चला रहे हैं, अपने यहाँ चला रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, यहाँ की वांटेड बाहर भेजा जाता और वहां से यहाँ अपराध होते हैं। हमारे यहाँ 26/11 हुआ, हमारे यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला हुआ, हमारी संसद पे हमला हुआ, हम पर पुलवामा हमले हुए, आज तक होते रहे हैं, लगातार हुए हैं। तो ये सब समस्याओं पर नए कानून से नए परिवर्तन आएंगे, और उसमें इतना सुधार आएगा, इतना परिवर्तन आएगा कि अब लोगों को कहने को मौका नहीं मिलेगा। जैसे लोग 370/35 से कि अब अच्छा लग रहा उन्हें कि लद्दाख में हाईकोर्ट भी बन रहा है और जम्मू में भी हमारी व्यवस्थाएं अच्छी हो रही हैं, सुधार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये परिवर्तन आएगा, और ये परिवर्तन हमारे देश के लोगों के लिए हितकारी रहेगा, हम लोगों के लिए थोड़ा गलत रहेगा ये नई धाराएं। देखिए हम लोग तो अब 26 साल तो उन सीआरपीसी और आईपीसी को
करके चलाते चलाते हमें हमें किताबों की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कोई रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती, हमें वॉल्यूम लेके जाने की, हम तो वहीं वहीं बोल देते हैं, ये सेक्शन देख लेते हैं, फोन पे ही बता देते हैं इसमें ये होगा इसमें होगा। अब हमें भी थोड़ा सा उसमें स्टडी करना पड़ेगा, हमें भी थोड़ा उसमें किताबें रखनी पड़ेंगी, हमें भी फिर से पढ़ना पड़ेगा। कहिए मैं फिर 26 साल के बाद एक छात्र बनूंगा और छात्र के रूप में इन अधिनियमों को, नए सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय CRPC, इन सबको पढ़ के, और लेकिन वो हम मेहनत कर लेंगे। अगर अच्छे कार्य के लिए कुछ कार्य करना पड़े, कुछ त्याग देना पड़े, कुछ बलिदान करना पड़े, कुछ तपस्या करनी पड़े, कुछ फिर से पढ़ना पड़े, फिर से छात्र बनना पड़े, तो एडवोकेट तो सीखता ही रहता है, इसीलिए उसे प्रैक्टिशनर कहा जाता है। हम तो अंत तक सीखते रहेंगे, अपने आखिरी सांस तक सीखते रहेंगे, लेकिन हमें शाहजी ने सीखने का काम दिया है, फिर से सीख लेंगे, फिर से कर लेंगे, लेकिन अच्छाई होनी चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए। इंडियन से भारतीय तक का सफर, क्या लगता है भारत अपनी एक अब नई पहचान, नई मतलब आप ये कही ऊर्जा के साथ जो है वो उभर करके आ रहा है। एक अंग्रेजी मतलब एक वो टच होता था जो मतलब होता था पहले, उसको खत्म करके हमारी जो अस्तित्व है उसको निकालने का कहीं ना कहीं प्रयास है। बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा प्रयास है और बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत तेजी से हो रहा है। इन्होंने 9 साल के शासनकाल में अपना बहुत कुछ दिया है देश को और अब तो लोग हटाने की सोच ही नहीं रहे। अभी तक पहले कहा था अब की बार मोदी सरकार 300 के पार, अब की लोग कह रहे 400 के पार, पता नहीं कितनी संख्या बढ़ती थी। काम ही ऐसे कर देते हैं, कम समय में लोग इनसे कहते हैं टांग खींचते हैं, इनकी लेग पुलिंग करते हैं, कहते पीछे हटो नीचे हटो, ये आगे बढ़ जाते हैं और आगे 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 नए काम कर देते हैं, तो इसलिए अच्छी बात है। लेकिन विरोधियों को कुछ तो कहना पड़ता है, विपक्ष में रहना है, उन्हें भी कहना है, इसीलिए अब उन्हें लगा कि अब भारत को तो कोई झुका पाए नहीं। हाँ। उन्होंने अपना नाम ही इंडिया रख लिया। हाँ। इंडिया में डॉट डॉट कर दिए, ये गलत कर दिया, आई में डॉट, एन में डॉट, डी में डॉट, आई में, इंडिया एक था, एक साथ था, एक साथ मिलकर चलता था। आप कह रहे भारत, दिया। भारत गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सब एक मिलकर चलते। हमारी भाषा अलग है, हमारा खाना पीना अलग है, हमारा रंग रूप अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारी बोलचाल अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारे संस्कार हैं, लेकिन भारत एक था, हिंदुस्तान की एकता एक थी, हमारी अखंडता एक थी, हमारा वर्चस्व जो था दुनिया में एक था, हम दुनिया को देते थे। दुनिया के किसी देश में जब हम यज्ञ हवन पूजन वेदी पुराण सत्यनारायण की कथा सब कुछ करते हैं, अपने जन्मदिन मगाते हैं, शादी में, तो अंत में ब्राह्मण हो या कोई हो जो पूजन समाप्त करता है तो बाद में क्या कहता है, विश्व का कल्याण हो, ये भारत कहता है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हम ही कहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमने दिया नहीं, हमने चलाया नहीं, हमने करके दिखाया है और पूरी दुनिया ने उसको माना है। याद कीजिए पिछले शासनकालों में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी होते थे, अमेरिका उन्हें जाने का वीजा नहीं देता था, लेकिन समय बदला, वक्त बदला, वही अमेरिका, वही पिछली सरकारें वेलकम करती है मोदी जी का, और वही आज के देश के अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यू आर मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आप पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं। क्यों? क्या नरेंद्र मोदी के 4 आंखें हैं? क्या 4 हाथ हैं? 4 सिर हैं? ऐसा तो नहीं है, वो भी एक इंसान है, वो भी एक उसी तरह जैसे सब हैं, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए उनकी कार्य क्षमताएं अधिक हैं, कार्य करने के तरीके अधिक हैं, क्योंकि वो भारत की सोचते हैं, हिंदुस्तान की सोचते हैं, भारत माता की सोचते हैं, भारत के लोगों की सोचते हैं, ये उनका भाव रहता है। जैसे आपका चैनल राजधर्म, राजधर्म लिख लेने से काम नहीं चलता, राजधर्म को पूरा करने, राजधर्म को निभाने, राजधर्म के कर्तव्यों को पालन करने के लिए, और अगर आप राजधर्म के कर्तव्यों को निभाते हैं तो आप दुनिया के सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं, चाहने वाले लोग। सर जैसे आप वकील हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये मन में सवाल नहीं आता कि ये जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तभी कुछ ना कुछ नया नया, मतलब 370 भी उसी समय जब 19 का चुनाव था, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि 24 का चुनाव है, तो ये नए अभी कहा, अभी तो अगले साल चुनाव है, अभी तो सेशन चलेगा, पॉलिटिकल स्टंट नहीं लग रहा आपको कि ये है? नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, ये दिल का स्टंट है, धर्म का स्टंट है, और उन्हें 5 साल में काम तो करने हैं। हाँ। काम तो सारे कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक किसी ने कहा था क्वेश्चन हो सकता, किसी ने सोचा था भारत में? शरीयत शरीयत शरीयत, हम भी याचिका करता थे सुप्रीम कोर्ट में, हम भी चाहते थे, कितनी हमारी मुस्लिम महिलाएं चाहती थी, लेकिन इस देश में ट्रिपल तलाक हुआ, ट्रिपल तलाक क्वेश हुआ, खत्म हुआ, मुस्लिम महिलाओं को कितना संरक्षण मिला, कितना सम्मान मिला, कितना उनको अपने घर में अधिकार मिले, बच्चों को उनके अधिकार मिले, कहीं नहीं फोन पे ही कहके उन्हें बाहर हटा दिया जाता था, फेंक दिया जाता था घर में। आज भी दुनिया के कई देशों में, मुस्लिम कंट्री में, रूम
पूरा पायदान समझा जाता है महिलाओं को, लेकिन अब हमारे देश में नहीं है। अब हमारा देश इससे बहुत ऊपर उठ चुका है, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति बहुत मजबूत हुई है और आगे गंभीरता के साथ पूरी तरह से बढ़ रहे हैं। जैसे आपका चैनल कहता है वॉइस ऑफ न्यू इंडिया, राजधर्म क्या करता है वॉइस ऑफ न्यू इंडिया। इंडिया तो थी, पत्रकार थे, चैनल थे, लीक से हटके चलने वाली बात, लीक पर चलते रहते थे। वही एक चैनल दिखाता था कहीं की खबर करने के लिए, इतनी कुर्सियां खाली पड़ी रही, वही चैनल दिखाता था इतनी कुर्सियां भरी थी। इसका मतलब क्या था? कंट्राडिक्शन था, एजेंडा था। आपका चैनल तो एजेंडे पे नहीं चलता है, आपका चैनल तो सच्चाई पे चलता है, वॉइस ऑफ इंडिया पे चलता है। वॉइस आवाज, देश की आवाज ही पत्रकार की आवाज होती, देश की आवाज ही चैनल की आवाज होती थी, देश की आवाज ही इस समय की सरकार है, देश की आवाज ही मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की, और सीमा पर हमारे रक्षा मंत्री राजमान्य राजनाथ सिंह की आवाज है। और इसीलिए कोई देश का प्रधानमंत्री कह पाया आज तक कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, हमारा था और हम इसे लेके रहेंगे, और किसी भी दिन हम लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके पाकिस्तान में जाके अपने कश्मीर को कर लेंगे। और इसी आशा के साथ हमारी सीमा भी पाकिस्तान से दौड़ी चली आई कि अब तो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हमारा हिस्सा भारत में मिलने चला, चलो जल्दी से चल के अपने सचिन को पकड़ो और भारत में रहें जाके। सोचिए आप, भारत पाकिस्तान में मोदी जी की जिंदाबाद के नारे लोग दिल से लगाते हैं, जुबान से नहीं लगाते, दिमाग से नहीं लगाते, दिल से लगाते हैं। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और सर ने बहुत कुछ, मुझे लगता है कि सर को बहुत पसंद आया है ये जो 3 नए कानून लाए गए हैं, इनको बहुत पसंद आया, तभी इतनी तारीफों के जो पुल हैं वो सरकार के लिए बांध रहे हैं। सर सरकार के लिए नहीं बांध रहा, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं, सरकार की किसी पार्टी का जुड़ा व्यक्ति नहीं, मैं निष्पक्ष वकालत करता हूँ। आपने बहुत हाईलाइट, मैं सरकार का विरोध भी किया, किसान आंदोलन में सरकार के मैं अगेंस्ट था, किसानों की तरफ से लड़ा 3 किसानों के, लेकिन ये आपको अच्छा लगा, ये मुझे वो मुझे अच्छा लगा, आपको लगता है कि देश जरूरत थी? ये देश की जरूरत थी और इसको सालों पहले आना चाहिए, सालों पहले आना चाहिए था। किसान बिल पे मैंने स्टे दिलाया और बाद में मोदी जी ने दरिया दिली दिखाई, वो किसान बिल वापस लिए, और मैंने कई मामलों में किया। आपने देखा उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों के लिए मैं था, उनकी केस लड़े, पीटीआई टीचर्स थे हरियाणा में, उनके लिए लड़ा और जीता, सरकार के खिलाफ थे कितने मामले। स्वामी चिन्मयानंद गृह राज्य मंत्री थे, उनके लिए लड़ा, पत्रकार राममूर्ति वर्मा थे उनके लिए लड़ा, बाहुबली सांसद थे उनके लिए लड़ा। अब आज भी कई मामलों में देखिए, बिहार की आप बात करें, मनीष कश्यप एनएसए लगा दिया गया, रासुका मैं खिलाफ हूं, सरकार कोई हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, होती रहे, लेकिन अगर पत्रकारों की आप कलम को, उनकी आईडी को दबाने के लिए प्रयास करेंगे तो हम उनके लिए लड़ेंगे। सांसद ब्रजभूषण सिंह के मामले में लड़ा और पूरा उनका नॉट अरेस्ट का चार्जशीट फाइल हुई, आपके सामने है, दिख रहा है, जीत रहा है। आनंद मोहन सिंह को लगा कि गलत उन्हें फंसाया जा रहा, हमने बिहार के आनंद मोहन सिंह लड़ रहा हूं और जीत रहा हूं, देखिए आप सफलता मिलेगी। सर आपको ऐसा मतलब और क्या रिएक्शन लोगों से क्या है, जैसे आपकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, मतलब जो लीगल कम्युनिटी, थोड़े से लीगल कम्युनिटी का क्या रिएक्शन? लीगल कम्युनिटी खुश है, देख रही है, अच्छी तरह है, बढ़िया है। थोड़ी मेहनत उन्हें भी करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी अपनी फिट करनी पड़ेगी, किताबें लानी पड़ेंगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, न्यायाधीश को भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे क्यों पढ़ना पड़ेगा, जजेस को भी पढ़ना पड़ेगा, उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा, हमें भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अच्छे कार्य के लिए अगर कुछ होता है तो उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूरी तरीके से बदलाव है, मतलब हाँ पूरी तरह से, पूरी तरीके से बदलाव है, पूरे तरीके से जैसे लागू होगा वैसे वो। शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी होगी, शुरुआत में थोड़ी सी पुलिस को भी परेशानी होगी, पुलिस उस ढर्रे पे काम कर रही थी, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में भी बदलाव आएगा, जजेस की जो ट्रेनिंग होती उसमें भी करना पड़ेगा, लायर्स की तो कोई ट्रेनिंग होती नहीं, वो तो बेचारे अपने आप ही अपने ऑफिस में अपनी लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं, क्लाइंट के साथ झकझक करके वहीं दिमाग लगाते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए भी जो लीगल रिपोर्टिंग करते हैं, लीगल टीम के लिए काम करते हैं आप लोग चैनल पर, आपको भी वो एक्ट रखने पड़ेंगे, कानून रखने पड़ेंगे, उन्हें देखना पड़ेगा, केस आते हैं नए आते हैं। अब जैसे ब्रजभूषण का नया केस था, पॉक्सो कहीं लग रही थी, कहीं हट रही थी, कहीं बालिग हो जाती थी कंप्लेंट, कहीं नाबालिग हो जाती थी, ये सब था, नया था अपने मामलों में नया था, और नॉट अरेस्ट की चार्जशीट हुई, सरेंडर अंटिल वाले केस को रेफर किया गया, तो दिल्ली पुलिस ने भी उसको सीखा और देश ने भी देखा कि हाँ ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के कंप्यूटर बाबा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, उनका केस लड़ा, लोगों के लिए एकेडमिक था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाथरस केस लड़ा, लोग कहते थे कि नहीं फांसी दो फांसी दो फांसी दो, सबसे पहले कहने लगते हैं जाके, लेकिन उसमें भी ट्रायल कोर्ट ने 3 अक्यूज को बाइज्जत बरी किया, मैंने लड़ा और जीता। कई बार राजनीतिक काम होने लगते, उत्तर प्रदेश में भी हाथरस प्रकरण हुआ, तो चुनाव था,
महाराज जी की सरकार गिराने की बात होने लगी, हमने एक केस के लिए महाराज जी की सरकार गिराई जाएगी, और दोबारा देखिए और अधिक वोटों से और अधिक संख्या में महाराज जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, और तीन अक्यूज बरी हुए, झगड़ा था एक अक्यूज झगड़े में कन्विक्ट हुआ, झगड़ा था, मैं कह रहा था झगड़ा था, जहाँ प्यार है वहां झगड़ा है, वहां तो होता है। तो ये थे एपी सिंह जिसको जिनको आपने सुना, और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, तो आपने सुना कि ये किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं इन तीन नए कानूनों का। और इसी के साथ धन्यवाद, आशा करूंगी कि आप सभी को ये इंटरव्यू बेहद पसंद आए, अगर पसंद आए तो इसको जितना हो सके उतना अपने लोगों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।